नमस्कार दोस्तों, मैं नील आप सभी को स्वागत करता हूँ टेक्निकल नील यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज का जो वीडियो अभी होने वाला है, मैं जैसे कि इसका पहले वाला जो वीडियो है अगर आप उसको देख लिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है या ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो। जाके आप उस वीडियो को प्लीज वॉच कर लीजिए कैसे आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, क्योंकि आज का जो बेसिक ट्यूटोरियल मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ पाइथन को कैसे स्क्रिप्ट करके हम लोग उसको रन कराएंगे, वो भी कॉमन प्रॉम्प्ट से। तो वही चीज हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे करके सारी चीजें होता है वही हम करेंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है या मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पाइथन को नहीं जानते, अगर आप पाइथन को नहीं सीखते तो इन फ्यूचर अगर साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग फ्यूचर में अगर आगे जाना चाहते तो आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा। और एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजें हैक नहीं होता है दोस्तों, वहां पे भी पाइथन का काम आता है। तो दोस्तों पाइथन आपको जानना जरूरी है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या इथिकल हैकर होने के लिए। तो और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली पाइथन से हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हैं, स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं, विक्टिम के पीसी में अगर कोई सॉफ्टवेयर मतलब जो कोड मलिशियस वायरस जो कि है हम लोग क्रिएट करेंगे, उस मालवेयर को अगर हम लोग उसके कंप्यूटर में अगर छोड़ दे सकते कहीं पे भी एग्जीक्यूट करके छोड़ देते तो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मेल में मिलता रहेगा। उसका वीडियो भी मैं दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो दूंगा, मगर अभी नहीं, पहले थोड़ा सा डिटेल में तो मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बस एक बिगिनर्स का एक लिए बस एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल ट्यूटोरियल पाइथन का लेके आया हूँ। यहाँ से आप देखने के बाद आपके ग्रिप हो जाएगा, आपके हाथ में पाइथन स्क्रिप्ट का ग्रिप आ जाएगा, तो वहां से आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि आप अगर विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करते नहीं है तो आज से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए और विंडोज को कमांड प्रॉम्प्ट सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैं ही मालूम रहता है, तो उसको उन लोगों में जरूर पर्सनली कहूंगा कि कमेंट प्रॉम्प्ट को जरूर सीखिए, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि कमेंट प्रॉम्प्ट से आप कर सकते हैं, वो भी विंडोज से। आपको कहीं और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करना होगा, पाइथन भी नहीं इंस्टॉल करना होगा, विंडोज से बहुत विंडोज का जो कमेंट प्रॉम्प्ट डॉस है वहां से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा मुद्दा का टॉपिक है कि मैं क्या आज प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे आप स्क्रिप्ट फाइल को रन करेंगे, तो वही चीज हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे। और हाँ, जरूर से जरूर अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर नहीं जाएगा चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होगा, इस वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। मेरा चैनल का जो फर्स्ट वीडियो जब डाउनलोड में जाके आप ओपन करेंगे तो वहां पे जाके जो आपको काम करना होगा कि मेरा वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल में आके सारे वीडियोस ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सपोर्ट करना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ जुड़ना, तो आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे से आप जुड़ पाए। तो बस हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग स्क्रिप्ट को राइट करेंगे तो कैसे करके करेंगे, मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो वहाँ पे मैंने बता दिया है, तो उस वीडियो का थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसको कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन को कैसे रन करना है, इसका सारा चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए तो आपको नॉलेज हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर IDLE पाइथन 3.864 bit, इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक नहीं करके, अच्छा ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसको सिंपली ओपन करते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो सारे नोट्स है लिखेंगे। तो फाइल में जाके हम लोग न्यू फाइल टाइप कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एकदम जो आसान और ईजी जो कि कमेंट है उसको हम लोग टाइप करके देखते हैं यहाँ पे रन होता है या नहीं होता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर डबल कॉमा। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हम लोग यहाँ पे टाइप करके लिख चुके हैं। अभी हम लोग इसको सेव करेंगे, तो फाइल में जाके हम लोग इसको सेव एस करेंगे। कहाँ पे करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने पाथ डिसाइड किया था सी ड्राइव में जाने के बाद, यूज़र नील मेरा ड्राइव जो कि मैंने सेलेक्ट करके रखा था प्रोग्राम्स, यहाँ पे जाके हम लोग इसको सेव करेंगे। क्या नाम से करेंगे हम लोग यहाँ पे hello.py से सेव करेंगे, hello.py इसको यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। अच्छा, मिनिमाइज करके रखते हैं क्योंकि सेकेंड कोड हम लोग यहाँ पे टाइप करके देखेंगे क्योंकि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ओवल हम लोगों ने जो सेव किया सेव हुआ है क्या नहीं,
पाइथन, अच्छा सॉरी, यूजर नील प्रोग्राम्स। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो डॉट पाई करके जो फाइल है आ चुका है। अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब रन करेंगे। कैसे करेंगे? आपका जो कीबोर्ड का शिफ्ट बटन है उसको दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ओपन पावर शेल विंडोज हेयर, इसको ओपन करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे तो पावर शेल में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पावर शेल में नहीं करूँगा इसको, मैं कोई और फाइल में जाके करूँगा, मतलब CMD डॉज में जाके मैं करूँगा, तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग वो भी यहाँ पे करके देखेंगे। तो पावर शेल में हम लोगों को अगर इस प्रोग्राम को अगर रन करना है तो क्या करना होगा, इस पाथ में आके आपको पावर शेल क्लिक करना है। अगर और कहीं पर करेंगे तो नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे आपको टाइप करना है, सबसे पहले जो आपको काम करना है यहाँ पे लिखना है पाइथन, क्योंकि हम लोग पाइथन को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग उसको बुलाना होगा। तो यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे स्पेस और हेलो डॉट पाई, हम लोग का जो एक्सटेंशन का हम लोगों ने सेव किया है हेलो डॉट पाई, और यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। ओके हम लोग यहाँ पे एरर शो हुआ है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो इस एरर को हम लोग को सबसे पहले जो है डिबग करना होगा। अच्छा क्या एरर है आपको शायद दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे HELLOW दिया है, तो यहाँ पे W नहीं है, तो इसको हम लोग को सबसे पहले हटाना होगा। उसके बाद हम लोग एंटर देंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का हेलो वर्ल्ड जो कि है एक्सटेंशन वो रन हो चुका है यहाँ पे। पहले बार जब हम लोगों ने किया था यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के लिए यहाँ पे हम लोग का जो फाइल एरर दिखाई दे रहा था, मगर सेकंड में हम लोग हेलो वर्ल्ड जो कि है टाइप होके यहाँ पे रेडी होके आ चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप CMD में करना चाहते हैं, मतलब डॉज में करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, विंडो और आर को दबाना है, या फिर CMD टाइप करके ओके करना है। यहाँ पे आपको जो काम करना है, आपको इस वाले पाथ को कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने पाई प्रोग्राम्स करके जो फाइल बनाया इसके अंदर तो हम लोगों ने जो एक्सटेंशन देके रखा है कोड, तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके देखिए, हम लोग सी यूजर्स में है, उसके अंदर टेक्निकल नील, मतलब मेरा जो यूज़र डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर ही हम लोग है अभी। बस हम लोगों को बस कुछ नहीं, CD देना है स्पेस करके, प्रोग्राम फाइल्स को एंटर करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पे एंटर करना है। तो हम लोग प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ चुके हैं। अभी यहाँ पे जो हमको काम करना है, फिर से हम लोग को पाइथन को बुलाना है, वही सेम एक्सटेंशन। और यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जो कि हम लोग का टाइप हो के यहाँ पे रेडी होके आ चुका है। इसके बाद ये तो एकदम बेसिक सा कमेंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इथिकल हैकर्स होते हैं, जो हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए और एक कमेंट मैं आप लोगों के लिए ही बस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे इस वीडियो को देखने में। तो वो चीज़ें देखिए, कोई भी ट्यूटोरियल में ऐसे आपको नहीं दिखाएगा, बस मैं आपके लिए, आपको थोड़ा सा मज़ा आए सारी चीज़ों को सीखने के साथ ही साथ, आप और भी ज़्यादा नॉलेज पाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे और एक प्रोग्राम रन करेंगे। वो इथिकल हैकर्स बेसिकली यूज़ करते हैं, किसी और का कंप्यूटर का IP अगर उसको निकालना है तो कैसे करके वो निकालेगा। तो ऐसे हम लोग एक मालवेयर जो कि वायरसेस होते हैं, हम लोग क्रिएट करेंगे पाइथन से, और विक्टम जब उसको ओपन करेगा तो हम लोग यहाँ पे उसका सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है, कैसे करके उसका IP हम लोग निकालेंगे। देखिए बेसिकली IP कॉन्फ़िग अगर हम लोग देते हैं तो निकल जाएगा, मगर हम लोगों को जो जानना है उसका कंप्यूटर का क्या है, तो बेसिकली कुछ नहीं, इसको क्लोज कर देंगे और हम लोगों को इसको ओपन करना है। अच्छा हम लोगों को और एक फाइल लेना है या फिर न्यू फाइल, ओके इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसको ही आप कीजिएगा। हम लोग लेंगे हैश स्लैश यूजर, फिर से देंगे स्लैश बिन, फिर देंगे स्लैश EVN, स्पेस देंगे पाइथन। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, किसको करेंगे, सब प्रोसेस को करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं इम्प्रोट इम्पोर्ट सब प्रोसेस, सब प्रोसेस इसको हम लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लोग वही चीज देंगे सब प्रोसेस, इसको अभी हम लोग कॉल करते हैं, तो डॉट कॉल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम लोग देंगे डबल कॉमा ओपन डबल कॉमा क्लोज,
इसके अंदर हम लोग देंगे आईपी कॉन्फिग, जो कि हम लोग का कमांड एक्सटेंशन है मेन आईपी कॉन्फिग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के, सिंगल कॉमा देके यहाँ पे स्पेस देंगे और देंगे शेल इक्वल्स टू ट्रू। सेम प्रोसेस सेवेस करना होगा हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी आप नेम दे सकते हैं, बस मैं एग्जांपल के लिए एम ई एच ले लेता हूँ, एम ई एच डॉट पाई, वहीं पे हम लोग सेव करेंगे। तो वहाँ पे जाके हम लोग वो सिंपली सेव कर देंगे अभी, और कुछ नहीं, इसको क्लोज कर देंगे। देखिए एम ई एच डॉट पाई इसको हम लोग कॉल करेंगे, तो शिफ्ट करके यहाँ पे ओपन पावर शेल इसको ओपन करेंगे, हम लोग दोनों जगह पे ही देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पाइथन को बुलाएंगे सबसे पहले, ओके उसके बाद एम ई एच डॉट पाई, उसके बाद एंटर करेंगे तो शेल को कॉल किया एक बार। अच्छा 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 पता चल गया, ठीक है दोस्तों हम लोग इसको कैपिटल पे देंगे, हाँ ट्रू अभी ठीक है। तो अभी बस कुछ नहीं, यहाँ पे जाके हम लोग इसको सिंपली इसको सेव कर देंगे क्लोज करके। यहाँ पे हम लोग फिर से पावर सेल को बुलाएंगे, तो ओपन हो जा भाई। अभी यहाँ पे पाइथन को कॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे एम ई एच डॉट पाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो आईपी का सारे जो मॉड्यूल्स है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने आईपी को सारे चीज़ों को हाइड करके रखा है यहाँ पे। बस आप लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर से देख सकते हैं सारे चीज़ें, मेरा मॉड्यूल्स जो कि है सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी यही कॉमेंट हम लोग करेंगे कॉमेंट प्रॉम्प्ट, मतलब सी एम डी में क्या करेंगे, कॉमेंट प्रॉम्प्ट सी डी, इसके अंदर में जाके हम लोग वही करेंगे पाइथन एम ई एच डॉट पाई। एंटर करने पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो आपका कमेंड है ओपन होके आ चुका है, मतलब सारे जो आपका आईपीज है ओपन होके आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे करके आपको करना होगा, जो विक्टिम्स होता है वो सारे चीज़ों का ऐसे करके करता है, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन या इस फाइल को अगर आप किसी भी और के कंप्यूटर में अगर भेज सकते हैं तो आपको मिल सकता है। इसके आने वाले जो बहुत से पार्ट्स आएगा मैं अभी से बता देता हूँ कि उस पार्ट्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी कंप्यूटर में कोई भी ऐसा एक्सटेंशन, ऐसा मलवेयर क्रिएट करके अगर आप उसके कंप्यूटर में कभी किसी भी तरह से उसको भेज भी देते और वो ओपन कर लेता है, तो आपका मेल पे सारी चीज़ें, सारे उसका इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स और हो गया उसके जो भी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है, सारी चीज़ें आपका मेल पे मैसेज होता रहेगा हर मिनट के बाद बाद, वो जो भी करेगा आपके मेल में आता रहेगा। तो एक तरह से अगर आप कैसे कीलॉगर या आप कर सकते कि ऐसे एक वायरसेस आप क्रिएट कर सकते हैं पाइथन से, वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो बस ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ मैं करता रहूँ, तो आप इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप मेरे से जुड़ पाए और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो बस दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलता हूँ। गुड बाय।